बाघमारा के बेसिसियल एरिया 5 अंतर्गत तेतुलमारी कोइलवरी में संचालित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में भूमि पूजन के दौरान बिलदरिया बस्ती के रैयत ग्रामीणों ने कैंप में घुसकर जमकर हंगामा किया। कंपनी समर्थक और रैयत हुए आमने सामने, जमकर हुई नोकझोंक। रैयत ग्रामीणों ने कंपनी गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए 7 दिनों का समय दिया। यदि 7 दिनों के अंदर कंपनी के लोग बात नहीं करते हैं तो कंपनी के गेट में ताला जड़ेंगे। रैयतों ने कहा कि कंपनी बिना सूचना दिए कैसे भूमि पूजन कर रही है। वहीं कंपनी के संचालक का कहना है कि हम लोगों को बीसीसीएल जमीन दी है, यदि ग्रामीणों को दिक्कत है तो बीसीसीएल से बात करें। ना हम लोग का बीसीसीएल से वार्ता भी हुआ था, बीसीसीएल बोला कि आप लोग का सारा चीज हम लोग देंगे, लिखित रूप से हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। बीसीसीएल बोला कि हम लोग आप लोग को कैंप गढ़ने दीजिए, आप लोग को सारा चीज हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बीसीसीएल कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहा है और कंपनी यहाँ पे जबरदस्ती आकर के भूमि पूजन आकर के कर रही है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं और मौका मिलेगा तो हम लोग कंपनी बंदी भी करेंगे, तालाबंदी भी करेंगे, क्योंकि लिखित लिखित पूजन हो गया। हाँ, लिखित रूप से हम लोग को मिलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है तो अब हम लोग तालाबंदी करेंगे। है कि वो जबरदस्ती आपस में लड़वा करके यहाँ से भगवाने के विचार में, और वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं देंगे, बीसीसीएल सब स्टेटमेंट कहीं पे दी है, ठीक है, आप लोग कुछ नहीं देंगे और यहाँ से मार के भगवा देंगे। आउटसोर्सिंग का नाम बताइए। हाँ, आउटसोर्सिंग का नाम क्या है? सिंह नेचुरल। ये बस्ती कितनी पुरानी बस्ती है? दादा परदादा का मतलब हमको समझ, सात पीढ़ी मान के चले। कितनी रही है यहाँ पे? 45 से 50 हम लोग रही थे यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं हुआ हम लोग का, ठीक है। बार बार लिखित रूप से मिलने के बावजूद भी, और एलए के तहत हम लोग का सब एक्वायर हो चुका है, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है कंपनी। स्टार्टिंग में जब ये कंपनी आए थे तो हम लोग टोटल ग्रामीण मिलके बोले थे कि ये कंपनी के हम लोग सपोर्ट में करेंगे, और हम लोग कंपनी का विरोध में नहीं है, हम लोग आज भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन बशर्ते कंपनी को हम लोग बताए थे कि जीएम से बात करके हम लोग जमीन मुहैया करवाइए, और इसके बाद हम लोग जमीन मुहैया करवाइए, जो हम लोग का बचा हुआ यहाँ पर नौकरी चाकरी जगह जमीन हम लोग क्लियर करवाइए, इसके बाद हम लोग कंपनी का सपोर्ट में खुद भूमि पूजन करवाते हैं, खुद यहाँ कैंप लगवाते, लेकिन कंपनी मतलब ऐसा नहीं किए, मतलब बीसीसीएल जैसे बोले गुंडा के बल पे या जैसे बल पे कंपनी यहाँ पर खड़ा करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जितने आदमी आए हुए हैं लोकल कोई नहीं है, यहाँ पर सब बाहर का आदमी है, सब गुंडाई करने आया है यहाँ पे, धमकाया जाता है बस्ती में, आता है बस्ती में धमकाया जाता है ग्रामीण लोग को, लेडीज लोग को धमकाया जाता है, बार बार हम लोग टॉर्चर करता है। पिछले बार यहाँ पर बम रख के गया था और ग्रामीण को डराने का काम किया था ये कंपनी। अब आगे क्या करने जा रहे हैं? अब आगे हम लोग पे नहीं, कंपनी पे है, बीसीसीएल पे है, ये लोग हम लोग का मांग नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग गेट पे ताला लगा देंगे। 3 से 4 दिन सप्ताह भर के अंदर हम लोग 7 दिन का समय देते हैं बीसीसीएल का, जीएम को, कंपनी का मालिक को, कि हम लोग 7 दिन के अंदर जमीन दिखलाइए, हम लोग जगह जमीन हम लोग क्लियर करवाइए, इसके बाद हम लोग कंपनी के सपोर्ट में, अगर नहीं तो हम लोग ये गेट पे ताला लगाएंगे टोटल ग्रामीण मिलके। देखिए बीसीसीएल कसूरवार क्या, देखिए कोयला है, माइनिंग होगा तो भाई विस्थापन स्वाभाविक है, होना है। अब उसके बिहाफ में आप लोग अपना बात पक्ष रखिए, विस्थापन का जो रूल नियम है सर उसका अधिकार नहीं मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है, नहीं मिला तो भाई हम लोग यहाँ अथॉरिटी है ना भाई, उसे मिले जाकर के भूमि पूजन करने से पहले ग्रामीण से पूछना चाहिए सर, जो रैयत है यहाँ पर, जो लोग इतना साल 10 वर्ष 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी से रह रहा, तो आप तुरंत दरकिनार करके भूमि पूजन कर दिए। देखिए सब सिस्टम से ही हो रहा है, कैंप बनाया भोज में कुछ ऐसा तो नहीं कि अभी वो मशीन लगा दिया, ठीक है, वार्ता करिए। कंपनी जब देखिए सुनिए, कंपनी से विरोध कर रहा है ग्रामीण, उसके बाद अभी तक क्या पहल हुआ है, कितनी इनकी जमीन को जान नापी करवाया गया है कि नहीं हुआ है, कितनी जमीन है ग्रामीणों का, किसका जमीन है, जमीन का कितना जमीन है सर ग्रामीण लोग का, इसको तो ये तो पैसा देकर पड़ गया है, इसको क्या पता होगा बिल्डरिया के बारे में, हम उसमें क्यों चलाएंगे, हम उनका जमीन क्यों यूज करें, हम उनका हमारा जो जमीन है उसमें काम करेंगे, हमारा जो परमिशन है उसी में काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज कुमार। कौन पूछना है? नहीं हुआ विरोध, उन लोग का बीसीसीएल से था, उन लोग अपना आपत्ति जताने आया था कि बीसीसीएल हम लोगों का जमीन पर जबरन प्रोजेक्ट चला रहा है, तो हम लोग यही बताए कि बीसीसीएल हम लोगों को काम दिया है, हम लोगों से उन लोग का लड़ाई कोई नहीं था, उन लोग का लड़ाई विस्थापन और रोजगार के लिए, उन लोग का नौकरी के लिए बीसीसीएल से लड़ाई है। हम लोगों को बीसीसीएल बोला कि आपको जगह दिए कैंप बनाइए, हमको वर्क ऑर्डर मिला है, हमको काम मिला है, हम उसके हिसाब से अपना एनआईटी के हिसाब से काम कर रहे हैं,
उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी देना है तो हम रोजगार भी देंगे, हमसे उनका किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जगह का विरोध है, विस्थापन का मुद्दा है, उन लोग का भी जो भी मुद्दा है उन लोग का भी CCL का मुद्दा है। हमारे आउटसोर्सिंग कंपनी से उन लोग का कोई विरोध नहीं है, कोई उनका मांग नहीं है। हमको जो प्रोविजन है मेरा उसके हिसाब से स्थानीय लोगों को लेकर के विश्वास में लेकर के काम करेंगे। तो अभी तो बवाल हुआ, अब आगे क्या क्या हो सकता है? बवाल यहाँ पूजा का नहीं हुआ, किसी चीज का नहीं हुआ, बवाल हुआ BCCL के प्रति उन लोग का बवाल था, आक्रोश उन लोग का जो भी था BCCL के प्रति था, हमारे कंपनी के प्रति उन लोग का आक्रोश नहीं था किसी प्रकार। हमारे कंपनी वाले हम लोग रोजगार देंगे उन लोग को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री राम पांडे हुआ, हम कंपनी का साइड इंचार्ज हैं यहाँ का।